हेलो नमस्ते सर। नमस्ते सर। आराम से बैठ, आप ना एक जगह बैठ जाएं, हिला हिले मत, हिले मत। हाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, हिलाइए मत कैमरे को ना, आराम से रख दीजिए, हिलिए मत। हाँ अब कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं देवरिया यूपी से बोल रही हूँ सर। यूपी से? अच्छा पूछिए क्या सवाल है। सर मैं आपकी डाइट 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा 1.5 साल हो गया, पिछले अगस्त से हम थोड़ा थोड़ा जैसे स्वीट नोट बराबर बराबर पड़ा है। अच्छा इसको कितने साल हो गए? इसको 7-8 साल हो गए सर। अच्छा देखो अभी मैं आपकी डाइट पूछूंगा तो पता लगेगा, डाइट में बहुत सारी कमियां निकलेंगी आपकी, ठीक है। हर कोई सोचता है कि हम डाइट फॉलो करें, पर एक्चुअल में लोग डाइट फॉलो नहीं करते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को कॉपी में लिखे डाइट, एक एक सारा वीडियो फॉलो करेंगी तब जाके ठीक होगा, ठीक है। मैं सारा बताएं। अच्छा बताएं जरा क्या सुबह से लेके अपनी डाइट बताएं जरा। मैं सुबह उठती हूँ, 1/2 लीटर पानी पी लेती हूँ, जितना पानी पी सकती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ टहलने के लिए। उसके बाद आने के बाद मैं एक गिलास टहलती हूँ। एक घंटा, ठीक है। उसके आने के बाद मैं फिर एक गिलास पानी और नींबू लेती हूँ। अच्छा उसके 8-9 बजे फिर मैं फ्रूट ले लेती हूँ कोई भी। अच्छा उसके बाद मैं पहले ओट्स ओट्स लेती थी, अब मैं बंद कर दी हूँ। साल भर लिया ओट्स ओट्स, उसके बाद मैंने बंद कर दिया ओट्स। अच्छा फ्रूट्स के बाद आगे बढ़े? फ्रूट के बाद उसके बाद मैं 9-10 बजे खाना लंच ले लेती हूँ। रोटी दो, जो साग हो रहा था उसको रोटी में डाल के बना लेती हूँ, साग दाल उल रहा था वो खा लेती हूँ। अच्छा उसका पूरा दिन मैं खाना नहीं खाती, सलाद वाला सब सुबह ले लेती हूँ। 10-10 बजे तक सलाद ले लेती हूँ। अच्छा फ्रूट के बाद आप सलाद लेती हैं, फिर आप रोटी सब्जी लेती हैं? हाँ रोटी सब्जी दाल उल ले लेती हूँ, जो बना रहता है घर में ले लेती। अच्छा उसके बाद दोपहर तक मैं कुछ नहीं खाती। दोपहर में यदि भूख लगा तो चना वना ले लेती हूँ, चना ले लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रूट उठ को रहता तो फिर फ्रूट ले लेती हूँ। अच्छा उसके बाद रात शाम को मैं चाय, ड्राई फ्रूट और क्या बोलते हैं फ्लेक्सी। अच्छा शाम को ले लेती हूँ। अच्छा। मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ और फिश ऑयल में रात को लेती हूँ। अच्छा। रोटी सलाद फिश ऑयल मैं रात को लेती हूँ। अच्छा कभी कभी दूध मिलता है तो दूध ले लेती हूँ, कभी कभी अंडा मिल जाता तो अंडा ले लेती हूँ। अच्छा देखो ये डाइट है ना आपकी, देखो सबसे पहली कमी जो है आपकी डाइट में, प्रोटीन की बहुत कमी है आपकी डाइट में ना। प्रोटीन कहाँ से लाएंगे आप, ठीक है। तो नंबर वन आप एक प्रोटीन पाउडर ले लो, जो भी मैंने रेकमेंड किया है, 4-5 हैं, अमेजोन से मंगा लो आप, एक वो ले लो याद से। प्रोटीन तो बहुत ज्यादा कमी है। देखो सबसे बड़ा जो गलतियां इंसान करता है ना डाइट में, वो प्रोटीन ही नहीं होता उसकी डाइट में। आप दही नहीं लेती हैं लंच में, क्या बात है? दही मैंने बोला वो नहीं, दही मैं पहले लेती थी, अभी थोड़ा नहीं लेती हूँ, थोड़ा परेशानी है पैसे। मैंने बोला था पीनट बटर लेना है, पीनट बटर नहीं ले रही आप? पीनट बटर भी लेती थी, मैंने साल भर पूरा आपका डाइट फॉलो किया। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं था तो फिर मैंने पीनट बटर वोटर छोड़ दिया है। इस समय चिया सीड भी मंगाई थी मैं ऑनलाइन। देखो ऐसे नहीं जाएगा, अगर आपने थोड़े दिन फॉलो किया फिर नहीं फॉलो किया ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने अच्छे नंबर लेने, मेरी बात सुने ध्यान से, एक बच्चे ने अगर अच्छे नंबर लेने हैं ना तो पूरा सारा साल उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको डेली बेसिस पे मैंने स्मूदी बता रखी है, स्मूदी बनाएं, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालें, थोड़ा सा ओट्स डाल लें, सीड्स डाल लें, उसको भी ले लेती हूं। देखो रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा आपको, आप एक प्रोटीन याद से ले लो, ठीक है। एक प्रोटीन ले लो, स्मूदी बनाती है उसके अंदर डाल लो, या सोया चंक्स आते हैं, क्या कहते सत्तू आता है, और पीनट बटर है, कई पनीर आता है, तो ये कई हाई प्रोटीन डाइट है, इसको लेना बहुत जरूरी है। देखो आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है प्रोटीन की। सर मैं डेली नहीं लेती हूँ, पनीर भी ले लेती हूँ, कभी चोया संस ले लेती हूँ, सारा चीज लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, जैसे हफ्ते में बरू ले लिया, एक बार ले लिया, साग में डेली उसको उबाल कर खाती हूँ। और सलाद देखो दो टाइम खाना है, लंच और डिनर में बाउल भर के। रोटी चावल बेशक आपसे ना खाया जाए कोई चक्कर नहीं है, ना खाओ कोई चक्कर नहीं, लेकिन सलाद दो टाइम खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने। आप ऐसा करो प्रोटीन ले लो एक, और जो मैंने स्मूदी बताई ना वो स्मूदी डेली लेनी है आपने। सर मैं बस एक सवाल पूछना था आपसे, जो मैं मल्टीविटामिन फिश ऑयल लेती हूँ उसके बाद उसको भी लेना पड़ेगा, और मल्टीविटामिन उसको प्रोटीन
जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप लेते रहें, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, उसको फायदा ही होगा, ठीक है? क्योंकि डाइट तो आपकी अच्छी है नहीं, तो आप जरूर लेना है मल्टीविटामिन। उसको ले लूं प्रोटीन को? देखिए जब मर्जी ले लो प्रोटीन स्मूदी, जब मर्जी ले लो। आइडिया है कि 24 घंटों में आपने खाना है, ठीक है? और आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो तो ज्यादा भी भूख लगेगी आपको, ठीक है? तो नहीं, उसके स्मूदी टहलने के बाद मैं करती हूँ सर, एक्सरसाइज भी करती हूँ घर पे, ठीक है? ये जब मैं दिन करा एक दिन नहीं करा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं, डेली सर मैं जाती हूँ, डेली जाती हूँ मैं। अच्छा, जिससे सर मेरे कॉलेज जब मैं आपका डाइट फॉलो की थी तो यहाँ था थोड़ा सा यहाँ पे, अब पूरा ये हो गया, नेक हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। देखिए ये पिगमेंटेशन होता है ना पूरे, ऐसे फैल जाता है तो वो मेलाज्मा बन जाता है, जब ये फैलता है तो मेलाज्मा बन जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही है, बस आपको पूरी तरह से पूरी लगन के साथ ये फॉलो करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि कितनी खुश रहती हैं आप लाइफ में? खुश रहती हैं कि टेंशन लेके बैठी रहती हैं? नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेती हूँ सर, बहुत टेंशन नहीं लेती, पहले तो ये खुशी हो रही है। अच्छा। आपसे लाल दिख सीना आने लगा से बात करते हुए। अच्छा, देखो आप थोड़ा ना डाइट के प्रति सीरियस नहीं है, आपको बताऊं थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मैंने बताया है स्मूदी आपने डेली लेनी है, ठीक है? स्मूदी में जो जो चीजें बताई है, एक प्रोटीन पाउडर याद से लेना है। आप सीरियस होकर फॉलो करोगे देखो तभी ठीक होगा। ये ऐसे नहीं कि आपने आज फॉलो किया कल नहीं फॉलो किया तो ऐसे तो चलेगा नहीं। नहीं, नहीं, डेढ़ साल से प्रॉपर आपकी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मैंने एक साल किया, उसके बाद मैंने वो क्या वोट सोर्स बंद कर दिया, इससे मेरा वेट लॉस। आपकी डाइट नंबर वन पॉइंट है वो प्रोटीन की कमी है, तो इस प्रोटीन को बढ़ाओ। कोई भी प्रोटीन पाउडर ले लो जो भी मैंने रेकमेंड किया है। वजन 12 किलो कम हो गया है तो अच्छी बात है ना, वजन तो कम ही होना चाहिए। नहीं, बहुत पतली हो गई सर। तो आप खाती नहीं, मैंने तो आपको बोला रोज स्मूदी लेनी है आपने, प्रोटीन पाउडर डाल लो, जो जो स्मूदी में बताया एक एक चीज आपने लेनी, ठीक है? चलिए ख्याल रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लाइव आए। चलिए आज बात हो गई, पूरे एक साल से डाइट फॉलो कर रही है लेकिन प्रोटीन की बहुत कमी है इनकी डाइट में। तो जो जो लोग देख रहे हैं प्लीज आप भी इस चीजों को फॉलो करो। सबसे बड़ा जो पॉइंट प्रॉब्लम जो आती है ना आपकी, सर मैं वे प्रोटीन सुबह मॉर्निंग में, जब मर्जी लो, देखो कोई टाइमिंग नहीं होता, जब मर्जी ले लो, जब भूख लगे आइडिया तभी आपने लेना। सर डाइट से मोटापा आता है तो फिर वर्कआउट कौन करेगा? बैठे बैठे खाते रहोगे तो मोटापा तो आएगा। आरती जी मैंने आपको लाइव लिया था लेकिन आई होप आपका शायद नेट का मसला है।